असलम एवरी वन क्या हाल है आप सबके वेलकम बैक टू माई चैनल आज है थर्सडे और इस वक्त शाम के पाँच या छः बज रहे होंगे अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की है बेसिकली रूटीन ही अभी मैंने स्टार्ट किया है ये रूटीन बिल्कुल ही सुबह सुबह स्टार्ट हो जाना चाहिए था जैसे जैनो को स्कूल भेजने के बाद लेकिन क्या है ना कि इस प्रेगनेंसी में एक मेरे साथ मसला बहुत ज़्यादा रहा है स्पेशली फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कुछ ज़्यादा ही था कि मुझे इतनी नींद आती थी मैं सारा सारा दिन मैं सोती रहती थी और रात भर में जागती रहती थी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई थी लेकिन अभी भी कभी कभी कुछ ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं जिसमें मैं सारी रात जागती हूँ और दिन भर सोती रहती हूँ तो आज मैं जैनो को स्कूल भेजने के बाद जब सोई हूँ तो फिर मैं बिल्कुल ही समझ लें जहर की अजानों के बाद उठी हूँ क्योंकि कल सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी सो तो इसी वजह से ना ये सारा रूटीन वगैरह सब कुछ आ, मुझे शाम को अभी करना पड़ रहा है मेरी एक सब्सक्राइबर है नौशीन हामिद उनका कमेंट आया कि काफ़ी दिन हो गए आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, आप ठीक तो हैं तो जी अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक हूँ असल में क्या है कि अगर मेरी वीडियोस कभी लेट हो जाया करें ना तो आप समझ लिया करें कि कोई बहुत खास मसरूफियत आई है जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बैक बर्नर पर चली गई तो इसी वजह से काम थोड़ा सा मेरा लेट हो गया लेकिन इन शी इस वीक की जो मेरी वीडियोज़ हैं मैं बिल्कुल टाइम टू तो टाइम अपलोड करूँगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कंसर्न का आपकी मोहब्बत का एक्चुअली कमिंग सैटरडे ना इब्राहिम का भाई हसन शिकागो से आ रहा है उसकी वाइफ तहरीम और उसकी बेटी सफ़ा ये तीनों आ रहे हैं तो प्लान कुछ ये है कि सैटरडे को वो लोग नाग्रा फॉल जाएंगे और फिर नायग्राफ से ये लोग हमारे घर आएंगे तो हम लोग भी सैटरडे को नाइग्रा फॉल्स जाएंगे और फिर संडे को हमारे घर पे एक अच्छा सा एक ब्रंच है जिसमें और भी इब्राहिम के कुछ कजन्स वगैरह हैं वो इनवाइटेड हैं फैमिलीज़ तो बस उसी की ही प्लानिंग और सब कुछ बजटिंग वगैरह सब कुछ करनी थी तो कल रात ना मैं इब्राहिम से बहुत सारे प्रोमिसज करके सोई थी कि हम कल सुबह उठ के आज का पूरा दिन हम लोग बस ग्रोसरी लेंगे प्लान बनाएंगे यू नो बजट करेंगे सब कुछ लेकिन मैं ऐसी सोई कि बस समझ लें कि अभी थोड़ी देर पहले ही जाके मेरी आँख खुली है असल में हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना तो इब्राहिम को बहुत होता है कि मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए तो इस वजह से बस समझ लें कि मेरा पूरा दिन तो आज का आधा दिन तो वेस्ट ही हो गया अब तैयारी मैं थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट करूँगी इब्राहिम ये फ्लावर्स लेकर आए थे जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे क्लिप में तो मुझे लग रहा था कि शायद वो कोई बुके वगैरह है तो मैंने कहा चलें अच्छा सा उसको मैं सेट कर देती हूँ लेकिन जब मैंने उसको खोला ना तो ऐसा कोई छोटा सा पौधा या गमला नुमा था तो इसलिए भी मैंने उसको ऐसी विंडो सिल पर रख दिया है अच्छा तैयारी तो मैं अभी फिर थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर ही दूंगी मैंने आपको कहा ना मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ ये तो ये पीड़ गार्लिक मैंने लिए हैं छिला हुआ गार्लिक जिसको कहते हैं और जहाँ हम पहले रहा करते थे ना वहाँ पर एक फार्मर्स मार्केट था वहाँ पर ये छोटा सा पैकेट चार डॉलर का मिल जाता है तो मुझे ये एक अच्छी डील लगती है तो इब्राहिम कल परसों गए थे तो वहाँ से ही लेकर आ गए थे तो मैंने सोचा कि चले एटलीस्ट लहसन अदरक का पेस्ट तो आपको पता है मैं नहीं बनाती हमेशा क्रश करती हूँ और हमेशा दोनों को अलग अलग करके दो अलग अलग बॉक्सेस में रखती हूँ तो मैंने कहा चले सबसे पहले तो मैं ये कर लेती हूँ लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडल आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये वीकेंड हमारा बहुत बिजी गुजरने वाला है बहुत खुशी होती है मतलब घर में कोई आने वाला होता है ना तो एक खुशी की लहर सी घर में दौड़ जाती है बिल्कुल यू नो रूटीन से हट के थोड़ी सी लाइफ हो जाती है भाई का मैसेज आया था कि आज आप क्या बना रही हो डिनर में मैंने कहा कि वो एक पास्ता बना रही हूँ लेकिन मैंने कहा वो ट्रेडिशनल वाले नहीं जैसा हम खाते हैं ना थोड़ा देसी स्टाइल का पास्ता स्पाइसी सा और बहुत सारा उसमें मिर्ची वगैरह डाल के मैंने कहा वैसा नहीं है अब एक बहुत ही फेमस एक वायरल एक रेसिपी हुई थी जो टिकटॉक इंस्टाग्राम पर हर कोई बना रहा था तो मैं एक दफ़ा पहले भी बना चुकी तो बहुत अच्छा बना था और अब क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है टाइम कम है ना तो मैं वही वाला पास्ता बना लूँगी क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है लेकिन उसका टेस्ट जो होता है ना ट्रेडिशनल जो हम पास्ता पसंद करते हैं ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है आप लोग देखेंगे ना रेसिपी तो आपको याद आ जाएगा मैं किस पास्ता की बात कर रही हूँ तो मैंने आधा किलो चेरी टोमेटोज लिए हैं इसमें चेरी टोमेटोज़ ही डलते हैं तो ये मैंने पहले एक बेकिंग डिश ली है और उसके अंदर तमाम चेरी टोमेटोस को मैं अच्छा करके मैंने पहले स्प्रेड कर दिया है और अब मैं यहाँ पर डालूँगी रिकॉटा चीज़ अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में रिकॉटा चीज़ का एक अंडा बनाया था और स्पिनच वगैरह डाल के जो बहुत अच्छा बन गया था तो अब मसला ये कि मेरे पास रिकॉर्डेड चीज़ का ना एक काफ़ी बड़ा डब्बा है जो इब्राहिम आई के सात या आठ डॉलर का लेकर आए थे हम मैं ना मैंने सोचा कि चलें एक थोड़ा सा दो काम हो जाएंगे एक तो इजी क्विक रेसिपी भी बन जाएगी खाने को भी कुछ मिल जाएगा और ये रिकॉर्डेड चीज़ भी काफ़ी हद तक यूटिलाइज हो जाएगा तो इब्राहिम ने मुझे थोड़ा तंग करने लगे बोल रहे हैं कि तुम तो रिकॉर्डा चीज़ के पीछे ही पड़ गई हो लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए एक तो आप एट डॉलर का आप ये एक बॉक्स लेकर आए हैं और देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना फ्रिज में रखी रखी उसमें फंगस आ जाती है मोल्ड आ जाती है तो वो ना सिर्फ पैसे का ज़ाया होना हुआ बल्कि यू नो अनाज की भी काफ़ी उसमें वे, वेस्टेज होता है तो इस वजह से मैंने सोचा चले ये रेसिपी जो है ना इससे रिकॉर्डा चीज़ भी जो है वो इस्तेमाल में आ जाएगा अच्छा इसके ऊपर मैं ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ अच्छा करके आप इसको ड्रिजिल कर लें एक से दो टी आप इसके ऊपर डाल लें मेरी एक व्यूवर है इरम हमीद उन्होंने कहा कि आपने जो ये ऑलिव ऑयल यूज़ किया है जो आप वीडियो में दिखाती हैं क्या वही है जो हम बालों में भी लगा सकते हैं तो जी जी अलग अलग आई डोंट थिंक सो के ऑलिव ऑयल मिलते हैं मार्केट के अंदर या हो सकता है मिलते हों लेकिन मैं तो खैर ये एक ही एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेती हूँ आई गेस उनको किसी शॉपकीपर ने ऐसा कह दिया कि नहीं बालों में लगाने वाला अलग होता है और पकाने वाला अलग होता है एडेबल वाला अलग होता है तो हो सकता है लेकिन मैं तो यही वाला यूज़ कर लेती हूँ उससे मुझे काफ़ी फायदा भी हुआ है अच्छा मैंने उसके ऊपर ऑलिव ऑयल ड्रिसल किया है सॉल्ट एंड पेपर मैंने इसके ऊपर डाला है और बस मैं इसको बेक करूंगी अच्छा मैं पास्ता भी साथ साथ बॉईल कर रही हूँ मेरे पास आधा पैकेट बचा है आइएस तीन सौ चार सौ ग्राम पास्ता होगा उस पूरी रेसिपी के लिए काफ़ी होगा तो अभी मैं ये पास्ता बॉईल कर रही हूँ तो देखिए पंद्रह मिनट में ही मेरा ये चीज़ और ये टोमेटोज़ बिल्कुल रेडी हैं साइड से थोड़ा सा जल गया है इट्स एब्सोल्युटली फाइन आप इसको निकाल सकते हैं और फिर आप इसको कांटे की हेल्प से अच्छी तरीके से आप चीज़ को और टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसका एक सॉस एक पेस्ट सा बन जाए अच्छा ये फैदा चीज़ का भी बनता है मेरे पास रिकॉटा था तो मैंने रिकॉटा चीज़ यूज़ कर लिया है गूगल अगर आप करें फेटा चीज़ और रिकॉटा का अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत ही एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा होता है तो मुझे दोनों के टेस्ट में इतना कोई खास फर्क फील नहीं हुआ था तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और इस स्टेज पर मैं यहाँ पर डालूंगी पालक मैंने थोड़ा ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है और आपको इसे गरम गरम सॉस के अंदर ही डालना है एक टीस्पून गार्लिक जो आज ही सुबह मैंने रेडी किया था इसी स्टेज पर आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए इससे क्या होगा कि जब आपका सॉस गर्म होगा ना ये इन इंग्रेडिएंट्स की जो एक थोड़े एक रॉ स्मेल होती है वो चली जाएगी और ये अच्छी तरीके से पास्ता के साथ बिल्कुल कंबाइन हो जाएंगे तो आपके पास्ता में एक अच्छी इसकी खुशबू भी आ जाएगी और इसकी एक वो जो रॉ हीक होती है ना वो चली जाएगी अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए क्योंकि हमारे ना पाकिस्तानी टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा फीका होता है तो मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है और ये देखिए मैंने इसमें पास्ता डालकर इसको मिक्स कर लिया ये बहुत मज़े का बनता है हाँ मैंने क्या किया कि सर्व करने से पहले जो मेरा अवन था ना वो ऑलरेडी गर्म था उसके अंदर मैंने उसको पाँच से दस मिनट के लिए रख दिया ताकि पूरा पास्ता जो है वो गर्म हो जाए वार्म हो जाए हाँ अवन आपने चलाना नहीं है बस आपने उसको अंदर रखना है उसी में ये आपका पास्ता बहुत अच्छा और रेडी हो जाएगा अच्छा रात का टाइम है मैं और इब्राहिम जो काम हमें आज सारा दिन करना था ना वो नहीं हो सका तो अब बैठ के हम लोग रात को आइए बारह बजे बैठ के हम लोग कोई सारा प्लान कर रहे हैं एक्चुअली जो हमारा मैंने आपको कहा ना सैटरडे को हमारा नायग्रो फॉल्स का प्लान है और फिर संडे को हमारे घर पे ब्रंच है काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे हैं जाहिर हसन भी आ रहा है उसकी बेटी भी आ रही है तो हमें आने वालों में काफ़ी सारे बच्चे भी हैं तो हमें बच्चों के लिए भी प्रेजेंट्स ख़रीदने हैं फिर हमें संडे के ब्रंच के लिए ग्रोसरी का भी बजट बनाना है उसके अलावा भी क्लिनिंग भी करनी है काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी करनी है यही टाइम होता है कि मेहूर इब्राहिम तसली से बैठ के कुछ डिस्कशन करते हैं बजट करते हैं प्लान करते हैं तो इब्राहिम कहने लगे कि अच्छा चलो अब हम लोग कल सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जैना को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम फ़ॉरन से निकल जाएंगे और जितनी भी हमारी टू डू लिस्ट है ना हम वो पूरी करेंगे तो अभी बस हम लोग बैठ के वही डिस्कस कर रहे हैं पूरा मैं एक बजट बना रही हूँ प्लान बना रही हूँ आज है फ्राइडे तो आज ही के दिन बहुत सारे मेरे और प्रेम के प्लान्स थे कि जैना को स्कूल भेजने के बाद ना हम लोग बस निकल फ़ौरन से घर से निकल जाएंगे और हम ये खरीद लेंगे वो ख़रीद लेंगे लेकिन मैंने सोचा कि चलें घर से निकलने से पहले ना एक चीज़ है मैं आप लोगों को कब से दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको ईद से दिखाना चाह रही हूँ मुझे ईद पर प्रेजेंट मिला था ये एक रेसिपी बाइंडर सेट है एक्चुअली जिस तरीके से ना सीक्रेट सैंता एक गेम होता है तो हम लोग हम सारी जो फैमिली वाले ना हम लोग सीक्रेट ईदी ये गेम खेलते हैं तो मुझे सीक्रेट ईदी में ये प्रेजेंट आया था और ये मेरी सिस्टर इन लॉ तहरीम ने ही मुझे दिया था तो मैंने कहा चलिए आज बिल्कुल राइट डे क्योंकि तहरीम ही आ रही है गेस्ट में तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा दूँ असल में जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है ना तब से मुझे बहुत फील होने लगा है कि मेरे पास रेसिपी कोई एक ख़ास मतलब एक मैंने ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखी लाइक मेरे पास एक नोटबुक है लेकिन इट्स नॉट समथिंग वेरी फैंसी या बस एक सिंपल सी एक नोटबुक है लेकिन अब ना बहुत अच्छे से मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक ऐसा रेसिपी बाइंडर लूं और बहुत एक फ़ैंसी सा अपनी तमाम रेसिपीज़ को ऑर्गेनाइज़ करूं सेपरेटर्स वग़ैरह के साथ तो मुझे तहरीम ने ये रेसिपी का एक पूरा बाइंडर ही गिफ्ट कर दिया मैं आपको उसको खोल के दिखा देती हूँ इट्स सो प्रिटी इट्स सो ब्यूटिफुल इसके साथ फिफ्टी रेसिपी कार्ड्स आते हैं जिसके अंदर आप अपनी रेसिपीज लिख सकते हैं फ्रंट एंड बैक इसके साथ अलग अलग सेपरेटर्स भी आए हैं सेपरेटर्स के अलावा इसमें ये प्लास्टिक शीट्स भी हैं तो आप इन तमाम कार्ड्स के अंदर अपनी रेसिपीज लिखकर इन प्लास्टिक शीट्स के अंदर लगा सकते हैं फिर आप उसके अंदर सेपरेटर्स भी लगा सकते हैं सेपरेटर्स में एपर्टाइजर्स हैं बेवरेज हैं मेन कोर्स हैं सूप्स हैं तो मैंने खुद भी आज फर्स्ट टाइम आपके सामने ही अनबॉक्सिंग किया है मैंने अभी ख़ुद भी इसको खोल नहीं देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा ऐसा करके मैं इसके अंदर अपनी तमाम रेसिपीज़ बहुत अच्छे से नीट हैंड राइटिंग में क्लीन हैंड राइटिंग में मैं इसमें लिखूँगी और फिर आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी इसकी अपडेट के मेरा रेसिपी बाइंडर किस स्टेज पर है और मैं कितना हद तक इसको अपडेट कर चुकी हूँ तो चलिए होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा मुझे तो बहुत प्यारा लगा है बहुत ही अच्छा है तो आप रेडी हैं तैयार हैं मैं तैयार चले, निकलते के पास है ना? चले। चले, है ना चलिए चलिए अपडेट ये कि इब्राहिम का प्लान तो था कि हम दोनों साथ ही जाएंगे शॉपिंग के लिए लेकिन वो नहीं आ सके उनकी कोई बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो कह रहे थे कि मैं अगले कुछ घंटे के लिए मसरूफ हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि एक तो बहुत सारी चीजें खरीदनी थी और मैं फिर से फ्रेश को आ गई आपको पता है मैं लास्ट वीक भी फ्रेश को आई थी और काफ़ी सारा मीट लेके गई थी लेकिन मैंने कीमा नहीं लिया था क्योंकि कीमा बनाने का फिलहाल मेरा अभी कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था लेकिन संडे ब्रंच में ना एक कीमा का आइटम ज़रूर होगा और प्रेजेंट्स लेने के लिए मैं विनर्स चली गई थी एक्चुअली विनर्स में ना मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बहुत सारे टॉयज़ लेने बच्चे आ रहे हैं काफ़ी सारे उनके लिए हमें टॉयज़ लेने हैं कुछ बच्चों के लिए हमें कपड़े खरीदने थे तो अभी मैं वही सारी चीज़ें देख रही थी विनर्स पे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं अच्छी क्वालिटी की बल्कि चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी यहाँ पर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मैं शूट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि इब्राहिम साथ होते हैं ना तो हेल्प हो जाती है हम में से फिर एक शूट को संभालते हैं फिर एक बंदा जो है ना वो शॉपिंग करता है और सेकेंडली कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो इब्राहिम और मैं मिल देखते हैं अकेले तो मुझसे नहीं किए जाते तो हम लोग अगर इब्राहिम आप साथ आ जाए ना तो मुझे ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ों का समझ आ जाती तो बस ये थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की थी कुछ कपड़े वगैरह भी मैंने लिए थे लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई इतनी ख़ास वीडियो नहीं बनाई जब मैं जब घर आई ना तो थो इब्राहिम थोड़ा फ्री हो गए थे अपनी मीटिंग वगैरह से तो हम लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने उनसे कहा था कि चलिए अब जो चीज़ें रह गई अभी भी काफ़ी सारे प्रेजेंट्स रह गए थे तो मैंने उनसे कहा कि अब आप खुद ही शाम को जाके ले आएगा क्योंकि मुझे अब खाने की तैयारी करनी है अच्छा आज के खाने में ना मैं आपको अपनी एक बहुत बहुत स्पेशलिटी एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ कोर्स दैट्स पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा के लिए जो यीस्ट आप देख रहे हैं ना ये यहाँ की बड़ी पॉपुलर यीस्ट है कैनेडा की मैं यही वाली यीस्ट यूज़ करती हूँ पाकिस्तान में हम रोजमोल बहुत यूज़ किया करते थे तो इसका एक ख़ास तरीक़ा होता है क्या पानी में सबसे पहले आपको उसका टेम्परेचर चेक करना होता है 150 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको चेक करना होता है क्योंकि इसी पे ही ये यीस्ट काम करती है मैं आपको बताऊंगी इसका क्या पर्टिकुलर रीज़न है मैं जो डो इसके पीछे जो उसका एक मेथड लिखा होता है ना मैं उसी रेसिपी को मैं फॉलो करती हूँ और मैं वही रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी आपको जो रेसिपी अच्छी लगती है आप जिस रेसिपी से कम्फर्टेबल हों आप अपना डो बना सकते हैं अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से रिलेटेड कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आपने बिरयानी की रेसिपी नहीं लिखी वो उनको शायद मिली नहीं बिरयानी की रेसिपी या बेकिंग टाइम वगैरह उनको नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा आपको ये हेडसअप दे दूँ कि मैं तमाम रेसिपीज मैं उसी वक्त राइट अवे मैंने अपलोड कर दी थी हाँ ये क्या चीज़ है सबू हाँ तो ले लो अच्छा हसन से साइज पूछ लो और जैसे भी आपने कलरफुल और फ्लोरल से लिया है ना ऐसे ही ले लेना ले आप हाँ ले लीजिए हाँ तो ऐसे फैंसी सा लीजिए हाँ ये शर्ट है कि हाँ ऐसी कलरफुल ले लें ले. क्योंकि अभी समर है ना तो अच्छा जरा फ्लोरल सा कुछ ले लें ले आप बिरयानी की रेसिपी और बिरयानी का जो बेकिंग टाइम था वो मैंने राइट अवे जब मैंने अपनी वीडियो पोस्ट की थी ना मैंने उसी वक्त पब्लिश कर दी थी तो आप एक दफ़ा फिर से चेक कर लिएगा हो सकता है कोई ग्लिच हो कि आपको ना दिखाई दे रहा हो अभी आप जो वीडियो देख रहे थे ना मैं इब्राहिम से ही बातें कर रही थी इब्राहिम कार्टर्स पहुँचे हुए थे वहाँ से फिर एच एन एम चले गए थे वो सफ़ा के लिए कपड़े देख रहे थे तो मैं उनको बता रही थी कि अभी गर्मियों का मौसम है ना थोड़े अच्छे फूलों वाले और अच्छे वाइब्रेंट से वो कलर्स लिएगा ये देखें मैं अपना डो ना ऐसे करके मैं उसकी नीडिंग करती हूँ काफ़ी सारे लोग उसकी नीडिंग में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं तो आप इस मेथड से करके देखिएगा आप उसको काउंटर पे रखिए एक या फिर एक ऐसी खुली स्पेस पे रखिए उसको एक ऐसे स्वर्लिंग मोशन में आप इसको करिए और एक बार स्ट्रेच करिए मैंने भी ये टेक्निक ऑनलाइन ही देखी थी और उसके बाद जब भी मैंने डो बनाया ना मेरा डो बहुत अच्छा बनता है बहुत सॉफ़्ट डो बनता है हाँ तो आई गेस पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे डो आपका थोड़ा सा सॉफ्ट और स्टिकी होना चाहिए और ये देखें पाँच मिनट में ही मेरा डो कितना अच्छा हो गया बिल्कुल ही मतलब एक परफेक्ट इसकी एक टेक्सचर आ गया स्मूद हो गया सॉफ्ट सा बन गया और ये अब आपकी बहुत अच्छी आपकी पिज़्ज़ा की मतलब एक बेस बना देगा यहाँ पर जो यीस्ट मिलती है ना वो थोड़ी सी एक्टिव होती है ना बहुत ज़्यादा जल्दी काम करती है पाकिस्तान में जो रोज़मर यीस्ट होती थी ना वो कराची की हीट में भी काफ़ी घंटे लग जाते थे डो को राइज होने में लेकिन यहाँ पे क्योंकि कैनेडियन वेदर मतलब हर सारा साल ऑलमोस्ट सर्दी ही होती है तो यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती यीस्ट जो है ना बहुत जल्दी यहाँ पर काम दिखा देती है तो ये देखिए आप ये एक घंटे में ही मेरी डो ऑलमोस्ट डबल इन साइज़ हो गई है और मैं हमेशा उसको चूल्हे के पास रख देती हूँ ना तो आई गेस आधे से एक घंटे में ही ये यीस्ट डबल हो जाती है और फिर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं ये है चिकन टिक्का फ्लेवर्ड चिकन आपको जो भी अच्छा लगता है चिकन फहीटा पसंद है वो बना लीजिए प्लेन चिकन पसंद है वो बना लीजिए हाँ मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चिकन बनाई है ये पूरी चिकन नहीं यूज़ होगी अच्छा चिकन के भी मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी मरतबा चैनल के ऊपर बना चुकी हूँ मैंने एक्स्ट्रा चिकन इसलिए बनाई है क्योंकि नाइग्रा फॉल्स जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पर हम मैं सैंडविचेस बना के ले जाऊँगी तो एक्स्ट्रा चिकन उसी के लिए है तो थोड़ी सी आधी में सेव कर लूँगी और आधी मैं पिज़्ज़ा के अंदर यूज़ कर लूँगी अच्छा नाउ कम्स द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इससे आपके पिज्ज़ा में बहुत अच्छा यूनिक और क्रीमी टेस्ट और फ्लेवर आता है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कम से कम दो टेबल स्पून आई गेस मैंने इसके अंदर बटर डाला होगा और एक से डेढ़ टेबल स्पून मैदा डाल के देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ एंडिल मैदे की जो एक एक कच्ची रॉ स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर क्वार्टर कप दूध डाल रही हूँ अच्छा दूध डालने के बाद आप इसमें सॉल्ट एंड पेपर हसबे डाल डालिएगा और ये देखें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये लेस देन फाइव मिनट्स में सॉस बन जाता है इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं इससे ज़्यादा पतला नहीं बनाना अच्छा देखिए डो मेरी बिल्कुल रेडी है मेरे पास ये जंबो साइज़ पिज़्ज़ा पैन आएगी सी सिक्सटीन इंच का होगा तो मैंने इतनी ही डो बनाई है कि मेरा एक जंबो पिज़्ज़ा बन जाए पैन को बहुत जेनरसली ग्रीस करना है बहुत से लोग बेलन से अपनी डो बनाते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन मैं हाथ से ही थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके बना लेती हूँ तो भी सही हो जाती है अच्छा फिर मैंने उसके ऊपर फोर्क से कांटे से ऐसे थोड़े से मैंने इसमें होल्स किए इसको प्रिक किया है सबसे पहले मैंने व्हाइट सॉस लगाया और मैं सॉस मैंने इतना ही बनाया था कि आज पिज़्ज़ा में यूज़ हो जाए अच्छा ये जो ये वाला सॉस होता है ना पिज़्ज़ा वाला रेड सॉस ये मैं रेडीमेड ले लेती ले हूँ क्योंकि एक छोटी सी बॉटल है ना एक से डेढ़ डॉलर की मिल जाती है तो फिर घर में इतनी मेहनत नहीं होती तो जो चीज़ सस्ती मिल जाती है ना तो वो ले लीजिए आप बाज़ार से अच्छा उसके बाद चिकन को मैं मज़ी छोटे छोटे चंक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ सारी नहीं यूज़ कर रही सैंडविचेज़ के लिए भी मैं बचा रही हूँ और वेजिटेबल्स में आपको जो अच्छा लगता है आप डाल लीजिए मैं आज वेजिटेबल्स में प्याज डाल रही हूँ और मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च इव मैम को ऑलि बहुत पसंद हैं लेकिन आज ऑलिव नहीं हैं तो मैं फिलहाल यही सब्जियाँ डाल रही हूँ अच्छा फाइनली नाउ कम्स द फनी पार्ट अच्छा देखिए पिज़्ज़ा के अंदर जो टेस्ट होता है ना वो असल आता है चेडर चीज़ का लेकिन मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि मैं कैनेडा में चेडर चीज़ अवॉइड करती हूँ तो मैं मोजरेला यूज़ करती हूँ वही मैं जेनरसली डाल देती हूँ लेकिन अगर आप बना रहे हैं ना पाकिस्तान में जहाँ पर चेडर चीज़ ईजीली मिल जाती है हलाल चेडर चीज़ तो आप चेडर और मोज़रेला का कॉम्बिनेशन यूज़ करिएगा तो क्योंकि असल पिज़्ज़ा का फ्लेवर उसी से ही आएगा ये रहा मेरे पिज़्ज़ा का फाइनल लुक मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ब्रिजल किया था कुटी हुई लाल मिर्च मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल की थी और ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया था और ये देखें इसको थोड़ा सा मैंने ब्रॉयल भी किया था आई गेस दो मिनट एक से दो मिनट मैंने इसको ब्रॉयल किया था तो चलिए उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी इन श्ला मिलते हैं अगली वीडियो में मेहमानों के साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोज़ को लाइक करें दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय